सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। आज पी सीरीज के एरर कोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी जीरो है, तो पी जीरो में आपको देखना है कि वोल्टेज प्रॉब्लम होगा, आईपीएम एंड आईजीबीटी प्रॉब्लम होगा। पी वन में देखना है कि ओवर वोल्टेज है और हाई प्रेशर प्रोटेक्शन है। पी टू में लो हाई प्रेशर दोनों प्रोटेक्शन दिया गया है। दोनों में आपको वोल्टेज का पी जीरो, पी वन और पी थ्री तीनों जो ये प्रॉब्लम है इसमें आपको वोल्टेज का इश्यू चेक करना है। पी थ्री में करेंट प्रोटेक्शन कंप्रेसर का करेंट में जो कंप्रेसर में जो करेंट जाता है उसको आपको ध्यान देना है। पी थ्री में क्या होता है, आउटडोर में आपको 220 वोल्ट देखना है और कंप्रेसर जो है स्टार्ट लेने में देखना है कि कितने एम्पियर से स्टार्ट होता है। अब पी फोर में है टेम्परेचर प्रोटेक्शन कंप्रेसर एंड इंटरनल मोड ड्राइव एरर, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है लेकिन आपको देखना है कि कहाँ पे कौन प्रॉब्लम आ रहा है। पी फाइव में हाई टेम्परेचर प्रोटेक्शन एंड कंडेंसर मोड कॉन्फ्लिक्ट। पी फाइव में आपको ध्यान देना है कि ये हाई टेम्परेचर हो जाता है तो सेंसर उसको पीसीबी को आउटडोर पीसीबी को कंट्रोल करने के बाद ही वो ऑन होता है। पी सिक्स में भी आपको आईपीएम एंड आईजीबीटी प्रोटेक्शन है और कंप्रेसर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। ये जो पी सीरीज है ज़्यादातर वोल्टेज ही का प्रॉब्लम आता है। पी सेवन में जो है हीट सिंक टेम्परेचर सेंसर प्रॉब्लम होता है। ये जो हीट सिंक जिससे हीट एब्जॉर्ब होता है उसका प्रॉब्लम है। पी एट आईपीएम ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन है। पी नाइन में है ओपन कॉन्ट्रैक्टर या शॉर्ट सर्किट है। तो ये सारा जो पी वन से लेकर के पी जीरो से लेकर के जो सारा था ज्यादातर इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम है, आईजीबीटी प्रॉब्लम है, इसमें सारे में आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए ही इतना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें।